Jó napot, Siva. मित्रों, सबसे पहले भस्त्रिका कर लेते हैं। दिमाग की खिड़कियां खुल गई है। होम का जाप करेंगे, 20 मिनट तक भ्रामरी प्राणायाम करेंगे जब तक सूर्यदेव नहीं आ जाते। मित्रों, सूर्यदेव को हमने जल अर्पण कर दिया, ओंकार का जाप ही हो गया। अब हम ध्यान में बैठेंगे, 30 मिनट आज्ञा चक्र पर रहेंगे। यहाँ आंख बंद करके निश्चल भाव में बैठेंगे। मित्रों, 30 मिनट हम आज्ञा चक्र पर रहे और हमने अंतर्मुखी त्राटक ध्यान किया आंख बंद करके। अब हम 30 मिनट के लिए माला जप करेंगे, चैंटिंग करेंगे। मित्रों, माला जप हो गई है, अब हम सवासन के लिए लेटेंगे। फिर उसके बाद हम योगी कथामृत को आगे पढ़ेंगे। मित्रों, परमहंस योगानंद की योगी कथामृत के आज हम 37वें अध्याय पे पहुंच चुके हैं, जिसका नाम है मेरा अमेरिका गमन। तो ये आज हम पढ़ेंगे, फिर इसके बाद इसके ऊपर बात करेंगे। मित्रों, आज योगी कथामृत में हमने पढ़ा, जब योगानंद जी रांची में अपने विद्यालय के अंदर एक दिन ध्यान में मग्न थे, तो उन्होंने देखा, ध्यान में वह दृश्य चलता रहा, एक विशाल जनसमूह मेरी ओर आतुर दृष्टि से देखते हुए मेरी चेतना के मंच पर अभिनेताओं की तरह मेरे सामने से गुजर रहा था। इतने में भंडार गृह का द्वार खुला, सदा की तरह एक बच्चे ने मेरे छिपने के स्थान को खोज लिया। यहाँ आओ विमल, प्रफुल्ल मन से मैंने उसे बुलाया, तुम्हें एक समाचार सुनाता हूँ। उन्होंने कहा कि भगवान मुझे अमेरिका बुला रहे हैं। अमेरिका? उसने ऐसे स्वर में मेरे शब्दों को दोहराया जैसे मेरे मन ने कहा हो कि चांद पर जा रहा हूँ। हाँ, कोलंबस की भांति मैं भी अमेरिका की खोज करने जा रहा हूँ। कोलंबस ने सोचा था कि वह भारत पहुँच गया, परंतु वह अमेरिका पहुँच गया था। निश्चय ही इन दो देशों के बीच कोई कर्म संबंध है। विमल वहाँ से भाग गया और शीघ्र ही अपने दो पैरों पर उस समाचार पत्र ने सारे विद्यालय में बात फैला दी। मैंने स्तंभित शिक्षक वर्ग को बुलाया और विद्यालय को उनके हाथों में सौंप दिया। उस अवसर पर उन्हें संबोधित करते हुए मैंने कहा, लाहिड़ी महाशय के शिक्षा आदर्शों का आप लोग सर्वोपरि पालन करेंगे। मैं हमेशा आप लोगों को पत्र लिखता रहूंगा। वहां से ईश्वर ने चाहा तो किसी दिन मैं यहाँ वापस आ जाऊंगा। उन छोटे छोटे बच्चों पर और रांची के उस सुंदर विस्तृत भूमि पर अंतिम दृष्टिपात करते हुए मेरी आंखें छलछला गई। मैं जानता था कि मेरे जीवन का यह विशिष्ट अध्याय पूरा हो चुका है, अब इसके आगे मुझे सुदूर देशों में ही रहना होगा। ध्यान में उस दृश्य दर्शन के कुछ ही घंटों बाद मैं ट्रेन से कोलकाता रवाना हो गया। दूसरे ही दिन मुझे अमेरिका में आयोजित धार्मिक उदारवादियों के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भारत के प्रतिनिधि के रूप में भाग लेने के लिए निमंत्रण मिला। मित्रों, उस वर्ष का यह सम्मेलन अमेरिकन यूनिटेरियन एसोसिएशन के तत्वाधान में बोस्टन में होने वाला था। मित्रों, ये निमंत्रण मिलने के बाद योगानंद जी का दिमाग जो पूरा घूम गया और वो अपने गुरुदेव के पास श्रीरामपुर चले गए। गुरु जी, मुझे अभी भी अमेरिका में एक धार्मिक सम्मेलन में व्याख्यान देने का निमंत्रण मिला है, क्या मुझे जाना चाहिए? गुरुदेव ने सहज भाव से उत्तर दिया, सभी दरवाजे तुम्हारे लिए खुले हैं, अभी नहीं तो कभी नहीं। मैंने व्याकुल होकर कहा, परंतु गुरुदेव, मुझे सार्वजनिक व्याख्यान देने का कोई अनुभव नहीं है, मैंने शायद ही कभी कोई व्याख्यान दिया हो, और अंग्रेजी में तो कभी नहीं, क्योंकि उनकी अंग्रेजी जो थी वो इतनी टाइट थी कि मत पूछो, उनको अंग्रेजी नहीं आती थी प्रॉपर। फिर गुरुदेव ने कहा कि तुम अंग्रेजी में बोलो या फिर किसी और भाषा में, योग पर तुम्हारा व्याख्यान लोग बहुत ध्यान से मन लगाकर सुनेंगे। फिर योगानंद जी की हंसी निकल पड़ी, गुरुजी, अमेरिका में लोग बंगला भाषा तो सीखने से रहे, आप ही अब कृपा करके मुझे अंग्रेजी भाषा की बाधाओं से पार करवाइए। और मित्रों, उसके बाद जब योगानंद जी ने अपने पिताजी के सामने अमेरिका जाने का विचार रखा तो वह हतप्रभ रह गए। उनके लिए अमेरिका एक अति दूर देश था, उन्हें भय था कि वह मुझे फिर कभी नहीं देख पाएंगे। उन्होंने बड़ी रुक्षता के साथ पूछा, तुम जाओगे कैसे, कौन तुम्हें
में इसके लिए पैसे देगा। योगानंद जी आगे कहते हैं कि मेरी शिक्षा और मेरे पूरे जीवन के लिए वही प्रेम से पैसा देते आए थे, इसलिए निश्चय ही उन्हें आशा थी कि ये प्रश्न उठाते ही मेरी सारी योजना धरी की धरी रह जाएगी। योगानंद जी ने आगे कहा, भगवान मुझे पैसा देंगे। जब मैंने ये उत्तर दिया तो अनेक वर्ष पहले आगरा में अपने भाई अनंतदा के दिए हुए इसी प्रकार के उत्तर का मुझे स्मरण हो आया। फिर योगानंद जी ने आगे कहा कि पिताजी शायद भगवान आपके मन में मेरी सहायता के लिए प्रेरणा जगा देंगे। नहीं, कभी नहीं, उन्होंने मेरी ओर दयनीय भाव से देखा। इसलिए दूसरे दिन जब पिताजी ने एक बड़ी रकम का चेक मेरे हाथ में दिया तो मेरे आश्चर्य का ठिकाना न रहा। मित्रों, योगानंद जी के पिताजी ने कहा कि एक पिता होने के नाते नहीं अपितु लाहिड़ी महाशय का निष्ठावान शिष्य होने के नाते मैं तुम्हें ये पैसा दे रहा हूँ, तो जाओ उस दूर पाश्चात्य देश में और वहाँ धर्म पंथों से मुक्त क्रिया योग की शिक्षाओं का प्रसार करो मेरे बेटे। मित्रों, योगानंद जी आगे कहते हैं, जिस निस्वार्थ भाव से पिताजी ने तुरंत अपनी व्यक्तिगत इच्छाओं को तिलांजलि दे दी थी उसे देखकर मेरा हृदय द्रवित हो उठा। उन्हें रात में ये एहसास हो गया था कि विदेश यात्रा की किसी साधारण इच्छा से मैं अपनी योजना नहीं बना रहा था। मित्रों, योगानंद जी के पिताजी उनसे कहते हैं कि कदाचित इस जन्म में अब हमारी भेंट फिर से नहीं हो पाएगी। पिताजी ने खिन्न होकर कहा, क्योंकि उनकी आयु उस समय लगभग 70 वर्ष हो चुकी थी। फिर योगानंद जी आगे कहते हैं कि एक प्रबल अंतः प्रेरणा मेरे मन में उठी और पूर्ण विश्वास के साथ मैंने आगे कहा, भगवान एक बार फिर हम लोगों को अवश्य मिलाएंगे। मित्रों, उसके बाद जब योगानंद जी अपने गुरुदेव और अपने प्रिय मातृभूमि को छोड़कर अमेरिका की अनजान भूमि में जाने की तैयारियां कर रहे थे तो उनका हृदय बहुत सी आकांक्षाओं से भरा हुआ था। मैंने भौतिकवादी पाश्चात्य जगत के बारे में अनेक कहानियां सुन रखी थी। वह जगत युगो युगो से संतों के वास्तव्य से पुनीत हुई भारत भूमि से इतना भिन्न लग रहा था। मैं सोच रहा था पाश्चात्य वातावरण में प्रवेश करने की जोखिम उठाने वाले पौर्वत्य गुरु को हिमालय की ठंड सह पाने से भी अधिक कठोर परिस्थितियों का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए। मित्रों, इस तरह जब अमेरिका जाने के लिए वो तैयारी कर रहे थे, लेकिन उनके मन में बहुत सी आकांक्षाएं और शंकाएं उठ रही थी और उनका कहीं से उनको कोई जवाब नहीं मिल रहा था, तो फिर वो प्रार्थना करने के लिए बैठ गए। एक दिन प्रातःकाल मैं दृढ़ संकल्प के साथ प्रार्थना करने बैठ गया, भले ही प्रार्थना करते करते मैं मर ही क्यों ना जाऊं, पर जब तक ईश्वर की आवाज नहीं सुनूंगा तब तक प्रार्थना बंद नहीं करूंगा। मैं ईश्वर से आशीर्वाद एवं आश्वासन चाहता था कि मैं पश्चिम के आधुनिक भौतिकवाद और व्यवहारिक उपयोगितावाद के कोहरे में कहीं खो न जाऊं। अमेरिका जाने का संकल्प तो मेरे मन में कर ही लिया था, पर साथ ही ईश्वर की अनुमति और आश्वासन वाणी सुनने के लिए मैं प्रार्थना करने के लिए बैठ गया। बार बार उठने वाली सिसकियों को दबाकर रखते हुए मैं प्रार्थना करता ही रहा, कोई उत्तर नहीं आया। मध्याह्न होते होते प्रार्थना की उत्कंठा पराकाष्ठा पर पहुंच गई। तीव्रता की वेदना के दबाव में मेरा सिर चकराने लगा। उन्हें ऐसा लग रहा था कि अब अपनी आंतरिक उत्कंठता को और अधिक बढ़ाकर एक बार भी यदि रोया तो मेरा सिर फट जाएगा। वो इस तरह प्रार्थना में इतने लीन होकर इतना मतलब उनके अश्रुपात हो रहा था और वो बार बार बस इतनी प्रार्थना कर रहे थे कि बस मुझे आश्वासन मिले, बस मुझे वाणी सुनने को मिले, मुझे उत्तर मिले, इस तरह वो प्रार्थना करते ही रहे। मित्रों, आगे वो कहते हैं कि ठीक उसी क्षण गढ़पार रोड पर स्थित मेरे घर के दरवाजे पर दस्तक सुनाई दी। जब मैंने दरवाजा खोला तो देखा कि सन्यासियों की तरह केवल कटी वस्त्र धारण किए हुए एक युवक वहां खड़ा है। उसने घर में प्रवेश किया, ये अवश्य महाअवतार बाबा ही होंगे। स्तब्ध होकर मैं सोच रहा था, क्योंकि मेरे सामने खड़े उस व्यक्ति का चेहरा लाहिड़ी महाशय के जैसा दिख रहा था। मेरे मन में उठे उस विचार का उन्होंने उत्तर दे दिया, हाँ मैं बाबा जी ही हूँ। वे अत्यंत मधुर आवाज में हिंदी में बोल रहे थे, हम सबके परम पिता ने तुम्हारी प्रार्थना सुन ली है। उन्होंने मुझे तुम्हें ये बताने का आदेश दिया है, अपने गुरु की आज्ञा का पालन करो और अमेरिका चले जाओ। तुम बिल्कुल भी डरो मत, तुम्हारा पूर्ण संरक्षण किया जाएगा। थोड़ी देर रुक कर बाबा जी ने फिर मुझसे कहा, तुम ही वह हो जिसे मैंने पाश्चात्य जगत में क्रिया योग का प्रसार करने के लिए चुना है। बहुत वर्ष पहले मैं तुम्हारे गुरु युक्तेश्वर से एक कुंभ के मेले में मिला था और तभी मैंने उससे कहा था कि मैं तुम्हें उसके पास शिक्षा ग्रहण करने के लिए भेज दूंगा। मित्रों, आगे योगानंद जी कहते हैं कि साक्षात बाबा जी के सामने खड़े होने के कारण भक्ति भाव में विभोर होकर मैं अवाक हो गया और उन्होंने ही मुझे श्री युक्तेश्वर जी के पास पहुंचाया था। यह स्वयं उनके श्री मुख से सुनकर मेरा हृदय कृतकृत्य हो गया और मैंने उनके चरणों में साष्टांग प्रणाम किया। उन्होंने अत्यंत प्रेम के साथ मुझे उठाया। मेरे जीवन के बारे में अनेक बातें बताने के बाद उन्होंने मुझे कुछ व्यक्तिगत उपदेश दिए और कई गोपनीय भविष्यवाणियां की। और मित्रों, उसके बाद महावतार बाबा ने योगानंद जी को बहुत ही गंभीरता के साथ कहा, ईश्वर साक्षात्कार की वैज्ञानिक प्रणाली क्रिया योग का अंततः सब देशों में प्रसार हो जाएगा और मनुष्य को अंततः परम पिता का व्यक्तिगत इंद्रियातीत अनुभव कराने के द्वारा यह राष्ट्रों के बीच सौमनस्य सौहार्द स्थापित करने में सहायक होगा। अपनी अनंत शक्ति से युक्त दृष्टि मुझ पर डालकर और अपने ब्रह्म चैतन्य की झांकी मुझे दिखाते हुए परम गुरु मृत्युंजय बाबा ने मुझ में एक नई शक्ति का संचार कर दिया। और आगे उन्होंने कहा, यदि प्रकाश में कभी सहस्त्र सूर्य एक साथ उदित हो सके तो उसमें उत्पन्न प्रकाश
भी एक महान विश्व रूप के प्रकाश के सदृश कदाचित ही हो। थोड़ी देर में बाबा जी कहते हुए दरवाजे की ओर आगे बढ़े और मेरे पीछे आने का प्रयत्न मत करना, उन्होंने ये कहा, तुम्हारे लिए संभव भी नहीं कि तुम मेरे पीछे आओ। बाबा जी दया कीजिए, योगानंद जी आगे कहने लगे, बाबा जी दया कीजिए, चले मत जाइए, मुझे अपने साथ लेते जाइए, मैं बार बार पुकार रहा था। उन्होंने कहा, अभी नहीं, फिर कभी और। मित्रों, भावावेग के अंदर योगानंद जी मृत्युंजय बाबा की चेतावनी को भूल गए और उनके पीछे जाने लगे। जैसे ही मैंने उनके पीछे जाने का प्रयत्न किया, मुझे ज्ञात हुआ कि मेरे पैर जमीन से चिपक गए हैं। दरवाजे पर पहुंचकर बाबा जी ने मुझ पर एक प्रेम भरी दृष्टि डाली, मेरी आंखें तीव्र लालसा से उन पर जमी हुई थी। उन्होंने आशीर्वाद देने की मुद्रा में हाथ उठाया और चले गए, अंतर्ध्यान हो गए। कुछ मिनटों बाद मेरे पैर जमीन से छूटे, मैं वहीं बैठकर गहरे ध्यान में लीन हो गया। न केवल मेरी प्रार्थना का उत्तर देने के लिए ही, बल्कि बाबा जी का दर्शन करा देने के लिए भी मैं ईश्वर का बारंबार धन्यवाद करने लगा। मुझे ऐसा लग रहा था मानो चिरयुवा आयु विहीन प्राचीन परम गुरु के स्पर्श से मेरा शरीर पावन हो गया था। उनके दर्शन की तीव्र लालसा मुझे लंबे समय से थी। अभी तक बाबा जी के साथ इस भेंट की बात मैंने किसी को नहीं बताई। इस घटना को अपने मानवीय अनुभव में सबसे पवित्र अनुभव मानकर मैंने अपने हृदय में उसको छुपा लिया था, परंतु मुझे लगा कि इस आत्मकथा के पाठकों को विश्व में रुचि लाने एकांतवासी बाबा जी के वास्तविक मित्रों ऐसा लग रहा है जैसे मुझे पता नहीं मुझे क्यों रोना आ रहा है। अद्भुत है, अद्भुत, बहुत अद्भुत है ये। बाबा जी ने उनको दर्शन देकर धन्य धन्य कर दिया। उनके मन में हमेशा इच्छा थी कि वो बाबा जी से मिले कभी, लेकिन जब वो अमेरिका जाने के लिए इतनी शंकाओं से घिरे हुए थे तो वो प्रार्थना में उतर गए, और जब प्रार्थना का उत्तर मिला तो सामने बाबा जी प्रकट हो गए और उन्होंने उनकी सारी शंकाओं का समाधान कर दिया। मित्रों, योगानंद जी आगे कहते हैं कि परंतु मुझे लगा कि इस आत्मकथा के पाठकों को विश्व में रुचि लेने वाले एकांतवासी बाबा जी की वास्तविकता पर अधिक विश्वास होगा यदि ऐसी घटना का वर्णन कर दूं जिसमें मैंने उन्हें स्वयं अपनी आंखों से देखा। इस पुस्तक के लिए मैंने आधुनिक भारत के योगी अवतार परम गुरु मृत्युंजय बाबा का एक चित्र भी एक चित्रकार की सहायता से बनवाया था। मित्रों, ये वो चित्र है जो इधर चल रहा है, यही वो चित्र है महावतार बाबा का। अमेरिका के लिए प्रस्थान करने से एक दिन पहले मैं युक्तेश्वर गिरी की पावन उपस्थिति में बैठा था। उन्होंने अपने ज्ञान युक्त शांत स्वर में मुझसे कहा, भूल जाओ कि तुम्हारा जन्म हिंदू समाज में हुआ था, परंतु अमेरिकी लोगों के भी सारे तौर तरीके अपना मत लेना। दोनों ही समाजों के केवल उत्तम गुणों को ही ग्रहण करना। तुम ईश्वर की संतान हो, अपने इस सच्चे स्वरूप को सदा याद रखना। पृथ्वी पर चारों ओर विभिन्न जाति के वंशों में बिखरे हुए अपने बंधुओं के सर्वश्रेष्ठ गुणों की पृथ्वी पर चारों ओर विचरण करो और विभिन्न जाति के वंशों में बिखरे हुए अपने बंधुओं के सर्वश्रेष्ठ गुणों को खोजो और उन्हें ही आत्मसात करो। फिर उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया, ईश्वर की खोज करने के लिए जो भी श्रद्धा के साथ तुम्हारे पास आएंगे तुम्हारे द्वारा उनकी सहायता होकर ही रहेगी। जब तुम उन पर दृष्टिपात करोगे तब तुम्हारी आंखों से निस्सृत होकर आध्यात्मिक प्रवाह उनके मस्तिष्कों में प्रवेश करेगा और उनकी भौतिक प्रवृत्तियों और आदतों को परिवर्तित करके उन्हें और अधिक ईश्वर अभिमुख कर देगा। फिर मुस्कुराते हुए वे बोले, सच्चे जिज्ञासुओं को आकर्षित करने के मामले में तुम्हारी नीयत बहुत अच्छी है। तुम जहाँ भी जाओगे, चाहे वे जंगल ही क्यों ना हो, तुम्हें हमेशा सच्चे मित्र मिलते रहेंगे। गुरुदेव ने ऐसा आशीर्वाद दिया। मित्रों, ये पढ़ते वक्त मेरा गला जो है ना, मेरा कंठ अवरुद्ध हो रहा है बहुत। मैं कह रहा हूँ आपको, ये आप सबको पढ़नी चाहिए, ये मंगाओ, इसको पढ़ो, तुम पढ़ो यार। श्री युक्तेश्वर जी के इन दोनों ही आशीर्वादों की पूर्ति भली भांति हुई। मैं अमेरिका अकेला ही गया जहाँ मेरा एक भी मित्र नहीं था, परंतु यहाँ हजारों लोग मुझे मिले जो आत्मा की कालातीत शिक्षाओं को ग्रहण करने के लिए तैयार बैठे थे। विश्व युद्ध के बाद अमेरिका जाने वाले पहले ही यात्री जहाज द सिटी ऑफ स्पार्टा में सवार होकर मैंने अगस्त 1920 में भारत से प्रस्थान किया। पासपोर्ट को प्राप्त करने में लाल फीताशाही की अनेकों अनेक कठिनाइयां आई जो लगभग चमत्कारी रूप से दूर हुई, और तब कहीं जाकर मैं जहाज पर यात्रा करने के लिए टिकट ले पाया।
दो महीनों की समुद्र यात्रा के दौरान जहाज पर एक सहयात्री को पता चल गया कि मैं बोस्टन में सम्मेलन के लिए भारत का प्रतिनिधि बनकर जा रहा हूँ। मेरे नाम का विचित्र उच्चारण करते हुए आगे मुझे अमेरिकी लोगों द्वारा जिन अजीब अजीब तरीकों से अपने नाम का उच्चारण सुनने को मिला था, उनमें से केवल पहला था। उन्होंने मुझसे आगे कहा, स्वामी योगानंद, अगले गुरुवार की रात को हम यात्रियों के लिए एक व्याख्यान देकर कृपया हमें अनुग्रहित करें। जीवन का युद्ध और उससे कैसे लड़े, इस विषय पर आप व्याख्यान देकर हम सबको कृतार्थ करें। इस विषय पर व्याख्यान से हम सबको बड़ा लाभ होगा। ये कहकर उस अंग्रेज ने उनसे ये अनुरोध किया कि आप गुरुवार के दिन व्याख्यान दें। लेकिन अफसोस, बुधवार के आते ही मुझे पता चला कि पहले मुझे ही अपने जीवन का युद्ध लड़ना था। अंग्रेजी में व्याख्यान देने के लिए अपने विचारों को एक सूत्र में बांधने और गूंथने में मैंने हर तरह का प्रयास कर लिया, परंतु सब व्यर्थ। आखिर में मैंने तैयारी करने का प्रयास ही छोड़ दिया, जिन काठी देखते ही भड़क उठने वाले नए घोड़े की तरह। परंतु गुरुदेव के पिछले आश्वासनों पर पूर्ण विश्वास रखते हुए मैं गुरुवार को जहाज के सैलून में अपने श्रोताओं के सामने जाकर खड़ा हो गया। मेरे मुँह से एक शब्द भी नहीं निकला। वहाँ उपस्थित लोगों के सामने मैं अवाक होकर खड़ा रह गया। मेरी सहनशीलता का युद्ध लगभग 10 मिनट तक चलता रहा। मित्रों, उसके बाद उन सभी अंग्रेज श्रोताओं को मेरी उपस्थिति का आकलन हो गया और वह मुझ पर हंसने लगे। उस क्षण की परिस्थिति में मेरे लिए तो हंसने लायक कुछ भी नहीं था। शुभ होकर मैं मन ही मन गुरुदेव से गहरी प्रार्थना करने लगा। फिर उसके बाद मेरे भीतर से आवाज आई, तुम बोल सकते हो, बोलो। उनकी आवाज तक्षण मेरी चेतना में गूंज उठी। उसी के साथ मेरे विचारों ने तुरंत ही अंग्रेजी की भाषा के साथ मित्रता कर ली। 45 मिनट तक व्याख्यान चलता रहा और अंत तक श्रोतागण तन्मय होकर सुनते रहे। इस व्याख्यान के कारण अमेरिका में विभिन्न संस्थाओं के समक्ष बाद में व्याख्यान देने के लिए कई निमंत्रण मुझे उसी समय मिल गए। योगानंद जी आगे कहते हैं कि बाद में प्रयास करने पर भी उस व्याख्यान में मैंने जो कुछ कहा था उसमें से एक भी शब्द मुझे याद नहीं आ सका। सावधानी पूर्वक जब मैंने यात्रियों से पूछताछ की, अनेक लोगों के विचार सुनने के बाद मुझे इतना ही पता चला कि आपने शुद्ध और सही अंग्रेजी में अत्यंत प्रेरक व्याख्यान दिया। मित्रों, यह आनंददायक उत्तर सुनकर मैंने समय पर सहायता करने के लिए विनम्रतापूर्वक अपने गुरुदेव का धन्यवाद किया। मित्रों, योगानंद जी आगे कहते हैं कि इसके साथ ही मुझे नए सिरे से इस बात का फिर से एहसास हो गया था कि देश काल की सीमाओं को ध्वस्त करते हुए मेरे गुरुदेव सदा मेरे साथ हैं। मित्रों, इसके बाद योगानंद जी आगे कहते हैं कि शेष समुद्र यात्रा के दौरान कभी कभी बोस्टन में अंग्रेजी व्याख्यान की अग्नि परीक्षा के विचार मात्र से ही मेरे मन में शूल उठता था। मैं व्याकुल होकर प्रार्थना करता, करुण सागर प्रभु, आप ही मेरी एकमात्र प्रेरणा बनने की कृपा कीजिए। अपने गुरुदेव से बार बार वो प्रार्थना करते थे। मित्रों, योगानंद जी आगे कहते हैं कि द सिटी ऑफ स्पार्टा जहाज सितंबर महीने के पहले सप्ताह में बोस्टन के बंदरगाह पे खड़ा हो गया। उन्होंने आगे कहा कि 6 अक्टूबर 1920 को मैंने धर्म सम्मेलन में जाकर अमेरिका में अपना पहला व्याख्यान दिया। मेरे व्याख्यान का बहुत ही अच्छा स्वागत हुआ। मैंने राहत की सांस ली। अपने व्याख्यान में उन्होंने कहा कि धर्म सार्वभौमिक है और एक ही है। रीति रिवाज और रूढ़ी प्रथाओं को सार्वभौमिक नहीं बनाया जा सकता, परंतु धर्म में नीत सामान्य तत्व को सार्वभौमिक बनाया जा सकता है और सबको उसका अनुसरण करने उसका पालन करने के लिए कहा जा सकता है। मित्रों, उसके बाद योगानंद जी आगे कहते हैं कि 1924 में मैंने अमेरिका महाद्वीप की यात्रा शुरू की और प्रमुख शहरों में हजारों लोगों के समक्ष व्याख्यान दिए। मैं जब सिएटल में था तो कुछ समय विश्रांति में बिताने के लिए वहां के रमणीय स्थल अलास्का में चला गया। मेरी शिक्षाओं का अनुसरण करने वाले उदार मना लोगों की सहायता से मैंने 1925 के अंत तक कैलिफोर्निया के लॉस एंजलिस शहर में माउंट वॉशिंगटन स्टेट पर अपने अमेरिकी मुख्यालय की स्थापना कर दी। ये वही भवन है जो मैंने अनेक वर्षों पहले कश्मीर में अपने अंतय दर्शन में देखा था, यानी उन्होंने अपने ध्यान में देखा था कहीं न कहीं। यहाँ दूर अमेरिका में चल रही अपनी गतिविधियों के फोटो मैंने जल्दी श्री युक्तेश्वर गिरी को भेज दिए। उन्होंने एक पोस्ट कार्ड पर बंगला में उत्तर भेजा जिसका अनुवाद मैं यहाँ दे रहा हूँ। मित्रों, उसके रिप्लाई में बंगला भाषा में उनके गुरुदेव ने एक पत्र भेजा जिसका हिंदी अनुवाद ये है, मेरे हृदय प्रिय योगानंद, तुम्हारे विद्यालय और छात्रों की फोटो देखकर मेरे जीवन में कितना आनंद आया है, इसका वर्णन मैं शब्दों में नहीं कर सकता। विभिन्न शहरों में तुम्हारे योग विद्यार्थियों को देखकर मैं आनंद से पिघल रहा हूँ। प्रतिज्ञा पालन, रोग निवारक स्पंदन संप्रेषण तथा देवी रोग मुक्ति की प्रार्थनाएं आदि तुम्हारी पद्धतियों के बारे में सुनकर मैं तुम्हें हृदय से धन्यवाद दिए बिना नहीं रह सकता। माउंट वॉशिंगटन स्टेट्स का मुख्य द्वार, पहाड़ी के ऊपर जाता सर्पनुमा रास्ता, पहाड़ी के नीचे फैले हुए सुंदर दृश्य को देखकर, ये सभी कुछ आंखों से देखने की इच्छा मन में पैदा होती है, ऐसा गुरुदेव ने लिखा। आगे गुरुदेव लिखते हैं, यहाँ सब ठीक चल रहा है बच्चे, ईश्वर की कृपा से तुम सदा परमानंद में लीन रहो। श्री तुषर गिरी। इसके बाद योगानंद जी आगे कहते हैं, वर्ष पर वर्ष बीतते गए। अपने नए देश के प्रत्येक हिस्से में मैं सैकड़ों क्लबों, कॉलेजों, गिरजाघरों और प्रत्येक प्रकार के श्रोता बंधुओं के सामने मैंने व्याख्यान दिए। 1920 से 1930 के दशक में हजारों अमेरिकी लोगों ने मेरी योग की कक्षाओं में शिक्षा ली। उन सभी को मैंने प्रार्थनाओं और आत्मा के विचारों की एक नई पुस्तक जिसका नाम था विस्पर्स
फ्रॉम इटर्निटी को समर्पित किया, जिसकी प्रस्तावना प्रसिद्ध गायिका मैडम एमिलिटा गैली कुर्ची ने लिखी थी। तो मित्रों, इस अध्याय में ये सारी बातें हमने पढ़ी कि योगानंद जी किस तरह से अमेरिका गए, और जब वो अमेरिका जाने लगे तो उससे पहले उनके मन में कितनी शंकाएं थी, जिनका समाधान खुद मृत्युंजय बाबा ने दर्शन देकर उनकी सारी शंकाओं को मिटाया। बड़ा ही अद्भुत वो मिलन था उनका, और उनकी अद्भुत ये यात्रा थी। और इस तरह से वो अमेरिका गए और उन्होंने अंग्रेजी में आख्यान दिए, जिस भाषा पर उनकी पकड़ ही नहीं थी, सिर्फ और सिर्फ अपने गुरुदेव के आशीर्वाद से। कितना अद्भुत है मित्रों, ये सबको पढ़नी चाहिए आपको, ये बहुत अद्भुत है, बहुत अद्भुत है। अगर आप थोड़े से भी सेंसिटिव होना और आपको अध्यात्म की थोड़ी सी भी प्यास है, तो ये किताब आपको बिल्कुल पढ़नी चाहिए। यह आपके अध्यात्म की प्यास को और गहरी कर देगी और आपको और सेंसिटिव कर देगी। आपका जो सोचने का नजरिया कहीं अगर संकीर्ण हो रहा ना, तो उसको बहुत वाइड कर देगी, बहुत ब्रॉड कर देगी। आप छोटा नहीं सोच पाओगे, पूरी दुनिया, ये पूरा संसार एक परिवार है। आप इसको असल में महसूस करने लगोगे इसको पढ़ते हुए। तो मित्रों, ये था जो आज हमने पढ़ा, काफ़ी लंबा था ये। सभी को मेरा प्रणाम। जय जय शिव शंभू, जय भवानी। मिलते हैं अगले ब्लॉग में।